who is a director of Touch Clinic, Advanced IVF Cosmetic Gynae and High-Risk Pregnancy Center to start the session on the tips on newborn baby care with live demonstration. And please welcome. Hello, good afternoon. We welcome you once again to this webinar. And आप लोगों को पता है कि हम हर फ्राइडे को ये वेबिनार्स कर रहे हैं फ्रॉम टू मंथ्स टू एजुकेट द पीपल अबाउट सम गुड टॉपिक ऑन द हेल्थ केयर. और आज का वेबिनार बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल गोइंग टू बी मॉम्स एंड द न्यू मॉम्स. एंड टू हैव अ बेबी इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल ब्लेसिंग. पर उस बच्चे का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. जो न्यू मदर्स होते हैं या न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको कई बार डर लगता है कि बेबी इतना छोटा है तो हम उसको कैसे देख पाएंगे, हम उसका कैसे केयर कर पाएंगे. सो वन थिंग यू ऑल शुड नो दैट बेबीज दो दे लुक वेरी जेंटल दे आर वेरी स्टडी. गॉड ने उनको ऐसे बना के भेजा है कि उनको आप हार्म नहीं कर सकते हैं. दूसरा until unless you deliberately try to harm, which none of us will do, of course. And as a mother, you can never harm your baby if you have good bonding and good intentions towards your child. So, आज हम आपको टच क्लिनिक के स्टाफ की हेल्प से अपनी बेबी केयर का डेमोंस्ट्रेशन देंगे. इसमें हम आपको बताएंगे कि हाउ टू मसाज योर बेबी, हाउ टू बेथ योर चाइल्ड, नैपी चेंज कैसे करना चाहिए, स्वैडलिंग कैसे करनी चाहिए. स्वैडलिंग इज रैपिंग द चाइल्ड इन अ वे कि बेबी इज वार्म ऑल्सो, बेबी इज सिक्योर ऑल्सो एंड बेबी डज नॉट फॉल. देन ब्रेस्ट फीडिंग इज समथिंग विच इज अ मेजर इश्यू विद द वुमेन सून आफ्टर द डिलीवरी. Breast feeding is again a blessing by the nature, and the breast milk is one of the best nutrition you can give as a mother to your child. But breast feeding ko establish hone mein thoda sa time lagta hai, aur breast care is very important. आप सबको पता होना चाहिए कि जो मिल्क होता है, जो इनिशियली फर्स्ट टू डेज जो मिल्क आता है, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल. उसकी अमाउंट बहुत कम होती है पर वो उसके अंदर इतनी अच्छी न्यूट्रिटिव पावर्स होती है कि दैट इज इनफ फॉर द चाइल्ड. एंड आफ्टर टू डेज द प्रॉपर मिल्क स्टार्ट्स कमिंग. इनिशियली जब न्यू बॉर्न मॉम होती है उसको ये डर होता है कि मैम मिल्क कम आ रहा है, पर आई हैव नेवर सीन एनीवन टिल डेट जिसमें कंप्लीट लैक्टेशन फेलियर हो. लैक्टेशन फेलियर तभी होता है जब या तो आप प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हो या आप मोटिवेटेड नहीं हो टू फीड योर चाइल्ड. So here at Touch, we try that all our mothers are able to breastfeed and we help them a lot. Breast care बहुत important है क्योंकि दो दिन के बाद जब milk letdown शुरू होता है तो clumps बनने का डर होता है. So it's always better to express the milk. And अगर आप proper breast care करते हो, baby को feed कराते हो तो milk नहीं आए ऐसी situation होती ही नहीं है. Then there are few danger signs in a newborn, जैसे baby में temperature आना. It's one of the very big and alarming danger sign. Babies को fever नहीं होता है और अगर किसी भी वजह से baby को fever हो रहा है, you should consult your neonatologist. Also, another danger sign is development of rash. या baby अगर feed लेना नहीं ले रहा या baby urine नहीं pass कर रहा, they are also danger signs in a baby. So we start on a good note. We start with demonstration of how to take care of your child immediately after delivery. And after the newborn care, there will be a demonstration on the exercises which you should do during pregnancy and after delivery to come back to shape. And this will be done by Dr. Harsimrat, who is our physiotherapist and antenatal instructor. So all the best. Enjoy this show by the Touch Clinic. Good evening, everyone. I am Dr. Isha, and I will just begin the webinar. So, coming to today's topic, we will be taking care of how to take care of your newborn. So, basically, it is the beginning of a new journey for both the parents and the family members. So, it's very important कि आप baby का care कैसे करते हैं. और अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड है तो ये एक्सपीरियंस अलग ही होता है और हर दिन एक आपको नई चीज सीखने को मिलती है. तो जस्ट अ प्रैक्टिस दैट मैटर्स.
सो कमिंग टू इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ये तब होता है जब डिलीवरी बेबी की होगी, तो इमीडिएटली जब जहाँ पर भी हॉस्पिटल में डिलीवर हुआ है इट विल बी मैनेज्ड बाय द डॉक्टर्स एंड द नर्सेस. उस टाइम पे बेसिकली हम क्या देखते हैं, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड, ब्रेस्ट फीड अगर तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो विद इन 1 to 2 hours ब्रेस्ट फीड दे दिया जाता है. क्लीनिनेस, बेबी को अच्छे से क्लीन करके रैप करके बेबी विल बी डिलीवर्ड टू यू. एंड डेंजर साइंस इन केस अगर कोई प्रेजेंट होंगे तो दैट विल बी मैनेज्ड बाय द पीडियाट्रिशियन एंड द नर्सेस. सो कमिंग टू कीप द बेबी वार्म, इट इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ योर बेबी. सो बेसिकली जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो उस टाइम पे जो एटमोसफियर होता है रूम का वो मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. उस टाइम पे हम बेबी को बेसिकली एडिक्वेट क्लोथिंग के साथ रैप कर देते हैं. अगर बेबी को आप मदर के साथ रखेंगे तो बेबी का टेम्परेचर अपने आप रेगुलेट हो जाता है ड्यू टू बॉन्डिंग. वेयरिंग कैप, सॉक्स, मिटन, दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन टू रैप द बेबी. और बेसिकली ये क्या प्रिवेंट करता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जो कि एकदम से बॉडी के टेम्परेचर कम होने की वजह से हो सकती है. So, coming to how to take care of your newborn, the basic idea is कि आप baby को कैसे comfortable करेंगे. So, हमारा जो first topic है, जो हम explain करेंगे और demonstrate करेंगे, which is baby massage and bathing. और इसको demonstrate करने के लिए sister Renu and sister Rekha will help me. So, I welcome them both. मैं आपको बताऊंगी कि मसाज करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने मसाज करने से पहले बेबी को आधा घंटा पहले फीड कराना है, जिससे बेबी मसाज को एंजॉय कर सके. अगर बेबी भूखा होगा तो वो मसाज को एंजॉय नहीं कर पाएगा. तो आधा घंटा पहले आपने बेबी को फीड कराना है और ध्यान रखना है कि फीड कराने के बाद बेबी को बर्फ जरूर कराना है, ताकि बेबी के जो फीड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए. एंड दूसरा जिस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है आपके रूम का टेम्परेचर. आप जहाँ पे भी बेबी की मसाज कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए. एंड बेबी की मसाज करने से पहले आप रूम में कोई भी अच्छा सा म्यूजिक या कोई भी पोएम लगा सकते हैं, जैसे बेबी मसाज को एंजॉय करे. तो सिस्टर रेखा है वो आपको डेमो करके बताएंगे कि आपको मसाज कैसे करना है. आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं मसाज करने के लिए, और चाहे तो आप ऑयल को थोड़ा सा लिप बॉम भी कर सकते हैं. आपको ऑयल लेना है और हम सोल से मसाज को स्टार्ट करेंगे. और आपको ध्यान रखना है आप जो भी मसाज के स्टेप्स कर रहे हैं वो आपने हार्ट की तरफ करना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ. जब आप सोल पे मसाज कर रहे हैं तो आपने टू थम्स का यूज करना है, जैसे सिस्टर रेखा आपको दिखा रहे हैं. और जो पैरों की उंगलियां हैं उनको थोड़ा सा, क्योंकि बेबी अपने आप अपनी फिंगर्स नहीं खोल पाता है, तो आपको थोड़ा सा फिंगर सेपरेट करके वहां पे ऑयल लगाना है. जब आप लेग पे मसाज कर रहे हैं तो आपको सर्कुलर मूवमेंट में करना है, नीचे से ऊपर की तरफ. जब आप ग्रोइन एरिया में कर रहे हैं तो आपको जस्ट ऊपर से नीचे की तरफ सिर्फ ऑयल को अप्लाई करना है, वहां पे मसाज नहीं करना है. उसके बाद आप टमी पे करेंगे, टमी से नीचे से ऊपर की तरफ. मतलब जो भी आपके मसाज के स्टेप्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए.
इससे क्या होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। और जब आप बाजू की मसाज कर रहे हैं वो भी आपको सर्कुलर मोमेंट में करना है। जैसे आपने पैरों के सोल पे मसाज किया था उसी तरीके से हाथ की हथेलियों में भी करना है। और जो फिंगर्स हैं उसको भी आपको खोलकर वहां पे सिर्फ ऑयल अप्लाई करना है। और जब आप सर पे मसाज कर रहे हैं आपको जस्ट सर पे ऑयल अप्लाई करना है। और बेबी का जो हेड है उसको थोड़ा आप पीछे की तरफ टर्न करेंगे सो दैट जो नेक के फोल्ड्स होते हैं उसमें आपको जस्ट ऑयल को अप्लाई करना है, उस पे मसाज नहीं करना है। अब आप बेबी के जब बैक मसाज करेंगे तो आप धीरे से बेबी को उल्टा कर सकते हैं, उसका जो हेड है वो एक साइड कर दीजिए और जो दोनों हाथ हैं वो पिलो के ऊपर रख दीजिए इस तरीके से। और आप बैक पे नीचे से ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। मसाज आपको 15 से 20 मिनट तक करना है। थैंक यू। So it is very important. Dr. Isha, I would like to add something at this point. Yes, ma'am. आप बेबी को कभी भी unattended नहीं छोड़ोगे। अगर आपने मसाज भी किया है या बाथ लिया है बेबी को तो आप पहले सारा सामान इकट्ठा करोगे और बेबी को ये नहीं कि मसाज करने के बाद अकेला छोड़ के आप बाकी सामान लेने जाओ। So never leave it. Yeah. Yes, ma'am. So as ma'am already told you, so that is very important. The baby should not be left unattended. So coming to how to bath your baby. So Sister Nazia and Sister Renu will demonstrate this part. बेबी को बाथ कराने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप सारा सामान पहले इकट्ठा कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बेबी के कपड़े निकाल दिए एंड उसके बाद आप मसाज करा रहे हैं। आपको सबसे पहले बेबी के कपड़े रखने हैं, दो टॉवल्स रखने हैं, बेबी का सोप रखना है, एक टब रखना है जो खाली होगा और एक टब है जिसमें आप लुकवॉर्म वाटर रखेंगे। और वाटर का टेम्परेचर आप अपने हथेली के पीछे से चेक कर सकते हैं या आपने से चेक कर सकते हैं। अगर वो आपको सही लग रहा है तो तभी आप बेबी को बात करा सकते हैं। और बात कैसे कराना है वो सिस्टर नाजिया आपको बताएंगे। आपने बेबी को इस तरीके से रखना है टब में और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको एकदम मग से पानी नहीं डालना है बेबी के ऊपर। आपको हाथ में लेकर धीरे धीरे बेबी के ऊपर पानी डालना है। और जब आप सर पे साबुन या पानी डाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो पानी है वो आपको पीछे की तरफ डालना है बेबी के, ताकि आंखों में बेबी के पानी ना जाए। और जब आप फेस पे कर रहे हैं जस्ट आपको हाथ गीला करना है तब एक साइड से एंड फिर दूसरी साइड से आपने बेबी का जो फेस है वो क्लीन करना है। और जब आप बेबी की आईज क्लीन कर रहे हैं तो आपको एक कॉटन, एक बाउल में थोड़ा सा लिक्विड कॉटन लेना है, उसमें कॉटन बॉल्स डाल दीजिए एंड उसको आप एक बॉल को लेंगे उसको निचोड़ेंगे एंड इनर कैंथर से आउटर कैंथस में आप साफ करेंगे, यानी आगे से पीछे की तरफ। और उस कॉटन को आप दोबारा यूज नहीं करेंगे, आप उस कॉटन को नीचे डस्टबिन में फेंक दीजिए। इसी तरह जब आप दूसरी आई साफ कर रहे हैं तो आपको इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ साफ करना है और वो कॉटन को भी आपको डस्टबिन में फेंक देना है। और जब आप बेबी को नहला चुके हैं सबसे पहले
अब टॉवल लेके बेबी का हेड सुखाएंगे। इस तरीके से हेड को आप एक साथ सुखा दीजिए, पहले पानी से निकाल के बेबी को अच्छे से रैप करके। आप बेबी को लिटा दीजिए। Ma'am, this is Vishal. I just stop your screen sharing because you know we are not able to see the screen properly, like the video part. So you can share again. Okay. Good. Thank you. So continue with the webinar. जैसे कि आपको भी सिस्टर एनु सिस्टर आजा ने बाथिंग के बारे में बताया, तो it is very important कि आप टेम्परेचर जो है वाटर का वो चेक करें, और जो वाटर का लेवल होना चाहिए वो 1 to 2 इंच से कम होना चाहिए, अदरवाइज बेबी कैन ड्रॉन इन दैट लेवल ऑल्सो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको हेल्प की जरूरत हो, अगर आप अकेले फील कर रहे हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर बेबी बहुत छोटा है तो यू विल रिक्वायर सम हेल्प ऑल्सो। सो कमिंग टू हाउ टू चेंज योर बेबी डायपर, this should be learned by both the parents, और अगर family member को जरूरत पड़े तो उनको भी करना आना चाहिए। So that will be told by sister Renu and sister Nasa. जब भी आप baby का diaper change कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि अगर baby ने स्टूल पास किया है या यूरिन पास किया है तो आपने बेबी को सबसे पहले क्लीन करना है। और आपको क्लीन कैसे करना है, आपको एक बाउल में थोड़ा सा लिक्विड वाटर लेना है एंड उसमें कुछ कॉटन बॉल्स डाल दीजिए, एंड आपको ऊपर से नीचे की तरफ बेबी को क्लीन करना है, और वो कॉटन को आप दोबारा यूज नहीं करेंगे। अगर आप 2-3 बार ऐसे क्लीन कर रहे हैं तो एक ही कॉटन से नहीं करेंगे, आप ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे और हर बार अपने कॉटन बॉल्स जो है वो आप चेंज करेंगे। एंड देन अगर आप जब देख लेते हैं कि आपका बेबी क्लीन हो गया है, तो उसके बाद आपको टॉवल से बेबी को जस्ट ऐसे करके डाब करके सुखाना है। और हमेशा आप याद रखें कि जब भी आप बेबी का डायपर चेंज कर रहे हैं, आपको हर बार कोकोनट ऑयल जो है वो अप्लाई करना है, इससे बेबी को रैश नहीं होंगे और ना ही बेबी को इंफेक्शन होगा। अब सिस्टर नाजिया आपको बताएंगे कि आपको डायपर चेंज कैसे करना है। कि डायपर ऐसे होता है, आप बेबी को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऐसे डायपर को प्लेस करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो डायपर है वो आपके नेवल से नीचे होना चाहिए, अगर नेवल के ऊपर होगा तो बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप हमेशा डायपर को नेवल से नीचे बांधेंगे और इस तरह से टाइट करके बांधेंगे। थैंक यू। सो जैसे कि आपको सिस्टर रेनू और सिस्टर आजा ने बताया, नैपी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नैपी को चेक करते रहना हर 2 घंटे में। आप नैपी को चेक करते रहिए, अगर तो वो यूरिन पास कर रहा है तो नैपी वो फिर भी पहन सकता है, पर अगर उसने स्कूल पास कर दिया तो इमिजिएटली आप नैपी को चेंज करिए। और जरूरत पड़े तो नैपी को जो है आप दिन में 6 से 8 बार यूज कर सकते हैं, और रेगुलरली चेक करें कि डायपर रैश ना हो। अगर डायपर रैश होता है तो इमिजिएटली यू कैन यूज सम कोकोनट ऑयल, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई टेलकम पाउडर ना यूज करें ओवर द ग्रोइन एरिया, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द बेबी। सो आप नॉर्मली कोकोनट ऑयल
या आप क्या कर सकते हैं, जैसे नैप की चेंज करते हैं तो आप थोड़ा एक्सपोज कर दिए वो एरिया जब तक वो ड्राई नहीं होता, फिर उसके बाद आप जो है यू कैन जस्ट पुट द अनदर डायपर. सो कमिंग टू अम्ब्लाइकल कॉर्ड के, जैसे कि सिस्टर इन्होंने आपको बताया जो अम्ब्लाइकस होता है, दिस इज द अम्ब्लाइकल कॉर्ड जो 2 से 3 हफ्ते के बीच में अपने आप ही शेड ऑफ हो जाती है. तो इसके नीचे आपको नैपी पहनानी है, दिस शुड नॉट बी अंडर द डायपर. तो इसके इनकेस अगर कोई आपको लगता है इसमें से कोई रेडनेस है, कोई इन्फ्लेमेशन हो रही, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो दैट आर द साइन ऑफ अम्ब्लाइकल कॉर्ड इन्फेक्शन. तो इसके लिए यू हैव टू कॉन्टैक्ट पीडियाट्रिशियन. सो कमिंग टू स्वैडलिंग, स्वैडलिंग क्या होता है, एक तरह से बेबी को सिक्योर करता है एक रैप पे, जिससे क्या होता है बेबी फॉल करने का डर नहीं रहता, बेबी को अच्छे से टेम्परेचर जो है रेगुलेट रहता है और बेबी जो है एक्सपोज नहीं होता टू एनी इन्फेक्शन. सो सिस्टर रेनू एंड सिस्टर रेखा विल टेल यू अबाउट द स्वेडलिंग बार. मैं आपको बताऊंगी कि बेबी को स्वेडल कैसे करते हैं. आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बेबी को स्वेडल कर रहे हैं, जो आप शीट का यूज कर रहे हैं वो कॉटन की ही होनी चाहिए, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, आपको कॉटन की ही शीट का यूज करना है. तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी शीट है तो आपको उसको एक साइड से फोल्ड करना है. जैसे आप देख सकते हैं कि मैं ये थोड़ी बड़ी शीट है, मैंने इसको फोल्ड किया है इस तरीके से. इसको ऐसे बेड पे प्लेस करेंगे और इसका एक कोना जो है वो आप अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे. आपकी शीट ऐसे होगी. आपको बेबी को ऐसे यहाँ पे प्लेस करना है. जो आपकी शीट है वो बेबी के नेक पर आनी चाहिए. तो आप एक साइड से बेबी का जो हैंड है वो अंदर की तरफ करेंगे, एक लेग अंदर की तरफ करेंगे और अपने राइट साइड से एक कोना पकड़ेंगे और शीट को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे. ये एक्स्ट्रा शीट है, जो ये कोना है, ये आप बेबी के नीचे से ले जाते हुए अच्छी तरह फोल्ड कर देंगे. फिर आपको जो दूसरा स्टेप होगा, आपको जो शीट है वो नीचे की तरफ से ऐसे फोल्ड करना है. और फिर बेबी का राइट हैंड आप अंदर की तरफ करेंगे और फिर राइट साइड से जो शीट है वो इस तरीके से आप फोल्ड करते हैं. और शीट को सिक्योर करने के लिए आप एक बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. तरीके से आप नॉट लगा के आपकी शीट को सिक्योर कर सकते हैं. तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका बेबी कितने अच्छे से स्वेडल हुआ है. ऐसा अगर आप इस तरीके से स्वेडल करते हैं तो आप अपने बेबी को बहुत आराम से फीड भी करवा सकते हैं, इससे फीड कराने में भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी. थैंक यू. So, जैसे कि आपको सिस्टर रेनू सिस्टर रेखा ने बताया स्वेडलिंग के बारे में, तो स्वेडलिंग करवाना इज वेरी इम्पोर्टेंट और ये आप भी सीख सकते हैं और आप किसी अपने फैमिली मेंबर को भी सिखा सकते हैं ताकि आपको एक हेल्प हो जाए. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्वेडलिंग. सो कमिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग जो है आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन होगी. सो जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है आपको दोनों ब्रेस्ट यूज करनी है,
फर्स्ट आपको एक ब्रश से ट्रीट करानी है. अगर आप जैसे आपको लगेगा उससे ट्रीट खत्म होंगे तो यू कैन जस्ट, जब भी आप नेक्स्ट टाइम ट्रीट करा रहे हो तो आप दूसरे ब्रश यूज करेंगे. और जो फर्स्ट 2-3 डेज के लिए जो आपको एक थिक कलर का येलो कलर का जो फ्लूड आता है, ब्रेस्ट मिल्क आता है, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम. और वो इट इज रिच इन एंटीबॉडी, आईजी एंटीबॉडी, जो कि बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस टाइम पे जो गुट्टी देते हैं, आजकल ट्रेडिशन है कि गुट्टी देना, दैट इज शुड नॉट बी गिवन, क्योंकि वो इम्यूनिटी कम करता है. तो कोलेस्ट्रम जो है वो प्रेफर करना चाहिए. और डिमांड फीडिंग जो है वो जरूर देनी चाहिए. हर 2 घंटे में आप फीडिंग दो. अगर इनकेस बेबी क्राई नहीं कर रहा है, स्टिल आप 2 घंटे में फीडिंग दो, क्योंकि बेबी को भूख लग जाती है. एंड इनकेस अगर बेबी जो है वो अच्छे से लैचिंग नहीं कर रहा है, लैचिंग क्या होती है, बेबी जो है अच्छे से ग्रिप बना रहा है निप्पल और एरियोला को, जो डार्क पोर्शन होता है, अगर वो लैचिंग नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे बेसिकली, जब आप फीड करा रहे हो और जब आपने फीड छुड़वानी है, तो आपने क्या करना है, एक फिंगर लेके, लिटिल फिंगर लेके साइड ऑफ द माउथ पे आपने इंसर्ट करना है. और जब आप फीड छुड़वा रहे हो तो पहले आप फिंगर डालोगे, उसके बाद आप फीड छुड़वाओगे. उससे क्या होगा, निप्पल क्रैक होने की प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहती. सो सिस्टर किरण एंड सिस्टर रेनु विल डेमोन्स्ट्रेट दिस पार्ट. सो दीज आर द पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. द मोस्ट प्रेफर्ड इज द क्रैडल होल्ड. तो ये प्रेफर किया जाता है क्योंकि बाकियों में रिस्क रह सकता है, आप एक्सीडेंटली बेबी के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो, जिसकी वजह से बेबी जो है वो. सो कमिंग टू द ब्रेस्ट पोजीशन, सो दिस इज द ब्रेस्ट पोजीशन. अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे सिस्टर रेनु एंड सिस्टर किरण. आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, अगर आप बेड पर ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो आप बेड पे पीछे एक पिलो रखेंगे एंड अपनी बैक को पूरा स्ट्रेट करेंगे एंड अपनी जो लेग्स है उनको सीधा करेंगे, जैसे हम बेड पे टेक लगा के बैठते हैं. एंड अपनी गोद पे आप एक पिलो रखेंगे और अपने बेबी को तब आप अपनी गोद में लेंगे. अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप तभी आपके बैक के पीछे एक पिलो रखेंगे, क्योंकि जब भी आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको अपनी पोजीशन का हमेशा ही ध्यान रखना है. क्योंकि अगर आप ऐसे झुक के फीड कराते हैं तो कई मदर्स को बैकपेन की प्रॉब्लम रहती है. तो इसको दूर करने के लिए हमें जब भी आप चेयर पे फीड कराते हो अपनी बैक के पीछे आपको पिलो रखना है. तो जैसे आप सिस्टर किरण को देख सकते हैं कि वो चेयर पे बैठे हैं और उन्होंने पीछे पिलो रखा है, और नीचे आप फुट के नीचे एक फुट रेस्ट या कोई स्टूल रख सकते हैं जिससे आपको आप फीड अच्छे से करा पाए. तो आप अभी देख सकते हैं कि जो बेबी है वो आपको उसका जो सर है वो अपनी एक कोहनी पे रखना है. बेबी का जो सर है आपको ऐसे कोहनी पे रखना है और उसकी बेबी की जो बाजू है आप अपने बाजू के नीचे से ऐसे निकाल लीजिए और बेबी को अपनी तरफ आपने पूरा इस तरह से घुमाना है. जो बेबी का टमी है वो आपके टमी से टच करना चाहिए. और जब भी आप फीड करवा रहे हो तो आपका निप्पल एंड एरियोला पोर्शन जो होता है ब्रेस्ट का, वो जितना हो सके बेबी के मुंह में जाना चाहिए. इससे एक तो बेबी को फीड अच्छे से जाएगी एंड दूसरा आपको निप्पल क्रैक्स नहीं होंगे. तो इसको सिक्योर करने के लिए आपको निप्पल एंड एरियोला पोर्शन पूरा बेबी के मुंह में जितना हो सके डालना है. और जब भी आप बेबी को फीड करा रहे हैं आपका जो ध्यान है वो बेबी की तरफ होना चाहिए. तो आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से एक हाथ से आपको पूरा बेबी को पकड़ना है और दूसरे हाथ से आपको अपना ब्रेस्ट जो है वो धीरे धीरे प्रेस करना है ताकि बेबी के मुंह में अच्छे से फीड जाए. थैंक यू. So this is the preferred breastfeeding position. और latching जो होती है उसके लिए basically baby अपने आप उनका एक reflex होता है, sucking reflex. So आपको वो सिखाना नहीं होता baby को, already baby को पता होता है. You just have to avoid the confusion of the bottle feed. तो आप bottle feed prefer ना करें, breastfeed prefer करें. अगर bottle feed करते हैं तो baby को nipple confusion होती है, उसकी वजह से वो latching अच्छे से proper नहीं कर पाता. So, this is for, आपको अगर ब्रेस्ट साइज जो है वो अगर सैगिंग ना हो, ब्रेस्ट सैगिंग ना हो,
ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट ना हो या ब्रेस्ट जो आपको पेनफुल ब्रेस्ट लगती है उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए. बेसिकली जितना भी ब्रेस्ट मिल्क बनता है उसको आप एक तरह से एक्सप्रेस कर दीजिए, उसको स्टोर करके रख सकते हो, फ्रीज करके रख सकते हो और यू कैन यूज इट फॉर 2-3 डेज. वेयर ब्रेस्ट पैड और वेयर ब्रेस्ट ब्रास अच्छे साइज की कॉटन की पहने ताकि आपको ब्रेस्ट लिफ्ट अच्छे से मिले. अगर आपको ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट लग रही है तो यू कैन जस्ट यूज आइस पैक यूज कर सकते हो और ऑल्टरनेट आप वार्म कंप्रेस यूज कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अच्छे से होगी, आपको इंगॉर्जमेंट या ब्रेस्ट पेन स्वेलिंग नहीं होगी. सो दिस आर द स्टेप्स. अगर आपको हो जाती है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट या क्रैक निपल तो आपको क्या करना चाहिए. अगर आपको क्रैक निपल है तो एक तो आप फीड करा सकते हो विद क्रैक निपल, दैट इज सेफ फॉर द बेबी. और जो लास्ट में जो बेबी का फीड अगर आपने बेबी को फीड कराया उसके बाद जो मिल्क बचता है तो आप वो एक मिल्क जो है वो अप्लाई कर सकते हो ओवर द निपल, इट विल हील द क्रैक निपल. बाकी आप क्या कर सकते हैं जो अगर आप प्रॉपर फीड टेक्निक से कराएंगे तो आपके क्रैक निपल नहीं होंगे. इनकेस अगर आपको ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट स्वेलिंग लग रही है या कुछ भी ब्रेस्ट एक्सेसिव लग रहा है तो आप बेसिकली क्या करेंगे, यू कैन यूज वार्म कंप्रेसेस ओवर द ब्रेस्ट. आपकी ब्रेस्ट जो है आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी जो निप्पल्स होते हैं वो विद फीडिंग स्टराइल हो जाते हैं. और यू कैन यूज ब्रेस्ट मसाज करवा सकते हो आप जिसकी वजह से फीड बढ़ेगी और यू कैन हैव सम डाइट जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीड बढ़ जाती है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द स्टेप्स. बेसिकली आपकी पोजिशन अगर ब्रेस्ट फीडिंग की ठीक होगी, लैचिंग पोजिशन ठीक होगी तो आपको ब्रेस्ट क्रैक निप्पल नहीं होंगे. आपकी ब्रेस्ट जो है सॉफ्ट होनी चाहिए. अगर आपको रिजिड लग रही है इसका मतलब आपकी फीड बन रही है पर वो एक्सप्रेस नहीं हो रही, तो आप उसको एक्सप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं. एवरी 2-3 आप ब्रेस्ट फीड कराओ, ऑन डिमांड में कराओ और इनकेस अगर नहीं भी डिमांड हो रही तो भी आप हर 2 घंटे में कराइए. सो कैबेज लीव इज द बेस्ट फॉर द ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट. सो ये क्या आप क्या करेंगे, दो लीव्स लेके उसको वॉश कर देंगे. Either ये आप डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो ब्रेस्ट पे, अदरवाइज यू कैन जस्ट वेयर सम कॉटन ब्रा और उसके अंदर आप प्लेस करके रख सकते हो, तो ये इंस्टेंट रिलीफ देता है पेन से. सो कभी कभार कोई मदर्स को पेन प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट एक्सप्रेस करने में, ब्रेस्ट फीड एक्सप्रेस करने में, तो उनके लिए स्पेशली ये ब्रेस्ट पंप आते हैं, मैनुअल ब्रेस्ट पंप एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पंप. इससे क्या कर सकते हैं आप, बेसिकली ब्रेस्ट मिल्क को फीड करके व्हेनेवर द बेबी रिक्वायर्ड द फीड तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, तो इससे आपकी जो है स्लीप वेक साइकिल भी वो मेंटेन रहती है. सो कमिंग टू बर्पिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेस्ट फीडिंग कर दिया पर बर्पिंग कैसे करते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है. तो आपको पोजिशन जो है बर्पिंग की, सिस्टर डिम्पल एंड सिस्टर रेनू बताएंगे. बेबी को फीड कराने के बाद इस तरह से आगे पे लेंगे, बेबी का जो हेड है एक साइड करेंगे एंड जो बर्प है आपको ऊपर से नीचे की तरफ करना है, ऐसे चाहे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हाथ का ऐसे कर्व बनाकर ऐसे कर सकते हैं. आपको बेबी को जो बर्थ है वो 15 से 20 मिनट तक करवानी है. अगर बेबी नहीं भी लेता है बर्थ तब भी आपको 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से बेबी को कांधे से लगा के रखना है. थैंक यू. सो बर्पिंग की एडवांटेजेस क्या है, बेसिकली बर्पिंग से क्या होगा आपको वेट करना है 10-20 मिनट बर्प करने के लिए और हर फीड के बाद आपको बर्प कराना जरूरी है. आइदर आप इस वे में करा सकते हो या इस वे में करवा सकते हो. अगर आपका बेबी छोटा है तो दिस इज द प्रेफर्ड पोजीशन. अब बर्पिंग के एडवांटेजेस ये हैं कि बर्पिंग कराने से एक तो बेबी को रिफ्लेक्स नहीं होगा, तो इनकेस अगर आप ब्रेस्ट फीड करा के इमिजिएटली लेटाते हो तो एकदम से रिफ्लेक्स हो सकता है, तो बेबी को एस्पिरेशन का डर रहता है तो वो प्रिवेंट करेगा. So that is very important. So coming to advantages of breastfeeding, breastfeeding कराने के दोनों benefits mother और child को होते हैं. Mother को क्या होगा, एक तो वो quickly recover करेंगे, उनका weight loss ज़्यादा होगा naturally तरीके से, bonding जो है baby और mother में बनेगी, it will decrease the risk of ovarian and breast cancer.
और जो है टॉप फिट देने से आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो ब्रेस्ट फीड इज मोर चीपर ऑप्शन. कमिंग टू बेनिफिट्स ऑफ द चाइल्ड, अगर आप कोलेस्ट्रॉल देते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, गट इम्यूनिटी, आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है, और न्यूट्रिशनली उनको अकेला जो फर्स्ट सिक्स मंथ्स अकेला ब्रेस्ट फीड ही काफी है टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशन टू द बेबी, और डाइजेस्ट करने के लिए भी वो ईजी है. सो कॉमन रीजन फॉर चूजिंग द फॉर्मूला फीड, इनकेस अगर मदर को ब्रेस्ट फीड नहीं बन रहा है, इनकेस अगर वो कुछ ऐसी मेडिसिन पे है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग इज अवॉइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो उस केसेस में आपको फॉर्मूला फीड लेनी पड़ेगी. तो फॉर्मूला फीड कैसे लेनी है और कैसे बनानी है वो आपको सिस्टर रेनु बताएंगे. सो दिस इज द टॉप फीड. सिस्टर डिम्पल एंड सिस्टर रेनु विल डेमोन्स्ट्रेट द हाउ टू गिव टॉप फीड. एंड यूजली हम स्पून फीड प्रेफर करते हैं, आप बोटल फीड ना लें, क्योंकि उसको स्टराइज, एक तो स्टराइल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इट इज बेटर टू गो फॉर द स्पून फीड. अगर आप बेबी को टॉप फीड दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप बाउल या स्पून का यूज कर रहे हैं वो अच्छे से बॉयल होने चाहिए. आपको 10 से 15 मिनट तक उन बर्तनों को बॉयल करना है जिनसे आप बेबी को फीड दे रहे हैं. एंड दूसरा, जब आप जो टॉप फीड है हम उसके लिए यूको वाटर का यूज करेंगे. आपको वो पानी कैसे करना है, आपको वो पानी जो है उसको अच्छे से पहले बॉयल करना है, फिर उसको ठंडा करना है, और उसको एक बॉटल में आप भर के रख सकते हैं. आपको 30 ml वाटर में एक स्कूप जो है टॉप फीड का डालना है. जो भी आप फीड यूज करते हैं, लैक्टोजन फीड या नैनग्रो वन, उसके अंदर एक स्पून होता है, उसे हम स्कूप बोलते हैं. आपको उसे ऐसे पूरा फिल करना होता है, ऊपर से आप उसको प्लेन करेंगे और 30 ml वाटर में आप उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे. अब आप फीड का टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे, आपको स्पून में एक ड्रॉप लेना है और उस ड्रॉप को आपको अपनी हाथ पे पीछे ऐसे डाल के देखना है. जब आपको वो टच करेगा तो आपको पता चलेगा कि वो गर्म है कि या वो थोड़ा सा लुकवार्म है. जिसका टेम्परेचर अगर बिल्कुल सही है तो आप बेबी को फीड करा सकते हैं. अब आप सिस्टर डिम्पल जो है वो आपको बताएंगे कि फीड स्पून फीड करवाना कैसे है. आपको बेबी को एक बिट लगा दीजिए इस तरीके से. वन थिंग आई विल लाइक टू ऐड हियर कि जो भी आप फॉर्मूला फीड यूज कर रहे हैं ना उसके ऊपर बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि वो जो कि बेबी के वेट और एज के हिसाब से कितना स्कूप यूज करना है. सो यू शुड फॉलो द सेम इंस्ट्रक्शन. आपको मिल्क का कलर तो अगर आप एक ग्लास पानी के अंदर अगर आप आधा स्पून भी डालोगे तो मिल्क का कलर आ जाएगा, बट दैट डज नॉट मीन कि उससे बेबी को न्यूट्रिशन मिल रहा है. तो जो उस बॉक्स के ऊपर इंस्ट्रक्शन है कि जितने स्कूप उसमें लिखा है मिल्क डालना है आपने वही यूज करना है, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं यूज करना है. थैंक यू. एंड टॉप फीड को आप जब भी बेबी को पिला रहे हो उससे पहले ही रेडी करना है. आपको ऐसा नहीं है कि आपने फीड बना दिया और उसको आप एक दो घंटे के बाद यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. टॉप फीड को आप आधे घंटे तक यूज कर रहे हैं, अगर इससे ज्यादा टाइम है तो आपको वो फीड डिस्कार्ड करना है. आपने एक स्पून लिया और बेबी के आपने ऐसे माउथ में रखना है, आपने जो फीड है वो पूरा ऐसे बेबी के मुंह में नहीं डालना है. आपको जस्ट लिप पे ऐसे स्पून में फीड डाल के ऐसे रख देना है जिससे बेबी अपने आप सक करेगा, और जब वो स्पून पूरा खाली हो जाए तब आप दोबारा से बेबी को फीड कराएं. आपको सारे के सारा फीड जो है वो बेबी के मुंह में डालना नहीं है, जस्ट लिप पे स्पून रख देना है जिससे बेबी अपने आप सक करेगा और अच्छे से फीड ले पाएगा. अगर आपका बेबी पूरे 30 ml फीड लेता है तो आपको पहले 15 ml फीड दे के बीच में बर्प कराना है, देन जो आधी बची फीड है उसके बाद देना है. देन जब आप आधी बची फीड भी दे देते हैं और उसके बाद भी आपको बेबी को बर्प करवाना है. थैंक यू. थैंक यू सिस्टर रेनु, एंड थैंक यू ऑल द स्टाफ मेंबर्स हु हैव हेल्प्ड मी टू डेमोंस्ट्रेट द टॉपिक.
So now coming to very important topic. आजकल कोविड की वजह से पैंडेमिक की वजह से इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब जो है प्रिकॉशंस ले रहे हैं. बट अगर इन केस अगर आपकी बेबी को बाहर जाना पड़ता है या इन केस अगर आप अभी आपकी डिलीवरी हुई है और आपको कोई फैमिली मेंबर मिलने आ रहे हैं या कोई रिलेटिव मिलने आ रहे हैं तो आपको बेबी के लिए प्रिकॉशंस भी उतने ही लेने चाहिए. तो आपको क्या क्या करना चाहिए वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अभी. सो थैंक सिस्टर रेनू विल डेमोन्स्ट्रेट दैट पार्ट. डिलीवरी हुई है और आपके रूम में आपसे कोई मिलने आ रहा है तो आप अपने रूम पे ऐसे एक शील्ड रख सकते हैं, मास्क रख सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सैनिटाइजर रख सकते हैं. ऐसे तो जो भी आपसे मिलने आ रहा है आप उनसे बोल सकते हैं कि वो हैंड वॉश करके आए, पर उसके बावजूद भी आपको अपने रूम में सैनिटाइजर रखना है. और आप बेबी को कहीं भी बाहर लेके जा रहे हो तो आप बेबी को भी मास्क जरूर पहनाएं. मैं आपको बताऊंगी कि आपको बेबी को मास्क कैसे पहनाना है. हमारे पास ये टच क्लिनिक में बेबी के लिए जो मास्क है वो मिल जाते हैं, पर आप कहीं से भी ले सकते हैं. आपको ऐसे बेबी के नोज पे एंड मास्क पे नोज एंड मुंह पे इस तरीके से मास्क बांधना है. बहुत ज्यादा टाइम नहीं बांधना है. आप ऐसे बेबी को मास्क पहना सकते हैं, थोड़ा आई से नीचे ही रखेंगे. थैंक यू सिस्टर रेनू, इट वॉज वेरी नाइस डेमोन्स्ट्रेशन. अभी कोविड का टाइम चल रहा है एंड कोविड पेंडेमिक इज देयर. माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितना पॉसिबल हो आप बेबी के पास विजिटर्स को ना आने दें. हम जब डिलीवरीज करते हैं या टच क्लिनिक में पेशेंट डिलीवरी के पास पहुँच रहे होते हैं तो हम उन सबका कोविड टेस्ट कराते हैं जो बेबी के पास रहेगा, the mother, father and grandparents जो साथ में रहेंगे. सो इसके अलावा जो लोग भी आपके विजिटर्स हैं आप कोशिश करें आप मिनिमम टू मिनिमम विजिटर्स को आने दें. आजकल वीडियो कॉलिंग हो जाती है, यू कैन टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स. ये बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट होता है बेबी कमिंग इन द फैमिली और इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट करना चाहोगे. बट अनफॉर्चुनेटली विद पेंडेमिक गोइंग अराउंड द मोर वर्चुअल वी आर इट विल बी बेटर. सो आप लोग वर्चुअल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और वहाँ आप बेबी को इंट्रोड्यूस फैमिली से करा सकते हैं. बाकी अगर कोई मिलने आता है और कोई बहुत इंसिस्ट करता है मिलने का और आपको भी लगता है कि उसने अपनी ब्लेसिंग बेबी को देनी है सो उसको आप हैंड वॉश कराओगे, मास्क पहनाओगे, शील्ड पहनाओगे और बेबी को भी मास्क पहना के दूर एटलीस्ट 7 to 8 feet डिस्टेंस से आप बेबी को उससे मिलवाओगे. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर प्रीति मैम. एंड एज मैम टोल्ड जो इस टाइम पर आप क्लीनिनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप रेगुलरली अपने हैंड वॉश करते रहे. अगर आप बेबी को फीड करा रहे हैं या बेबी के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो सोप से और वाटर से अपना हैंड को जरूर क्लीन करें. सो आई केयर के बारे में स्ट्रेन आपको बता दिया है कि इट शुड बी डन फ्रॉम द मीडियल टू लेटरल साइड. और इनकेस अगर आपको कोई स्वेलिंग डिस्चार्ज या रेडनेस लग रही है तो आपको इमिजिएटली कॉन्टैक्ट करना है टू द डॉक्टर. बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज नॉट फॉर द मदर, इट इज फॉर द फादर ऑल्सो. सो बेबी को मदर और फादर दोनों हैंडल करेंगे तो बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज होगी. सो कमिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ कंगारू मदर केयर. कंगारू मदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज फॉर द लो बर्थ, जिनका लो बर्थ या प्रीटर्म बर्थ हुआ होता है उनका बेबी वेट कम होता है तो इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द बॉन्डिंग. बेबी वेट इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है और जो वेट गेन में भी इंक्रीज करता है. सो बेसिकली पोजीशन कैसे होती है, बेबी शुड बी बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट. बेबी अनड्रेस्ड होनी चाहिए, मदर जो है अनड्रेस्ड होना चाहिए और बेबी जो है कवर्ड होना चाहिए. और यू कैन जस्ट वेयर अ गाउन, जिसके गाउन से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्टैक्ट मदर टू बेबी रहेगा उसके बाद आप बेबी को
कवर कर सकते हैं. हेड शुड बी टर्न टू वन साइड, फ्रॉग लाइक पोजीशन होनी चाहिए और बेबी का एब्डोमेन जो है आपके एब्डोमेन से सपोर्ट होना चाहिए. सो ये जो कंगारू मदर के है, कोई भी आपके फैमिली में कर सकता है. दे शुड नो द प्रॉपर टेक्निक. तो आपको होल्ड करना बेबी को आना चाहिए, जैसे कि आपको सिस्टर्स ने बताया है कि आपको कैसे होल्ड करना है. गिव स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, इट विल इंक्रीज द बॉन्डिंग और जो है आप ब्रेस्ट फीड इंक्रीज भी करता है. टॉक टू योर बेबी ऑफन, जिसकी वजह से आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी और बेबी को भी अच्छा लगेगा. बेबी का डायपर आप चेक करते रहे ऑफनली, एवरी 2 hours बेबी का डायपर शुड बी चेक्ड. फीड ऑन डिमांड, जैसे आपको बताया हर 2 घंटे में फीड देते रहे. अम्ब्लाइकल कॉर्ड केयर, इट शुड बी डन. डायपर जो है वो अम्ब्लाइकस के नीचे होना चाहिए और इनकेस अगर कोई डिस्चार्ज या वो आते हैं तो वो आप उस कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डॉक्टर. सो कमिंग टू डेंजर साइंस, सो डेंजर साइंस में कमिंग टू, अगर बेबी आपका क्राई कर रहा है और आप उसको नहीं संभाल पा रहे तो इट कैन बी ऑल दीज रीजंस. अगर वो बहुत हंगरी है तो भी वो क्राई कर सकता है. अगर नैपे उसकी वेट है तो क्राई कर सकता है. कोई रैश है उसको तो क्राई कर सकता है. फीवर है और इसके लिए आपको इमिजिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए. सो व्हाट आर द डेंजर साइंस इन बेबी? लेथार्जी, हाइपोथर्मिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साइनोसिस, कन्वल्शन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लीडिंग किसी भी ऑर्गन से या किसी भी पार्ट से, एक्सेसिव वेट लॉस हो रहा है, वॉमिटिंग, डायरिया. तो अगर बेबी लेथार्जिक है तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. तो आपको इमिजिएटली डॉक्टर को इमिजिएटली कॉन्टेक्ट करना है. तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए डेंजर साइंस क्या है. अगर आपको डेंजर साइंस आइडेंटिफाई करने आ रहे हैं तो आप इमिजिएटली अपने बेबी को डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं. सो इनकेस अगर कुछ फीवर है तो आप बेबी टेम्परेचर चेक करें और बेसिकली आपको टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देना चाहिए. इसकी वजह से सीजर्स की प्रॉब्लम हो सकती है. तो आपको बेसिकली बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना है. दीज आर टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि रिब्स के बीच में कोई रिट्रैक्शन लग रही है विद ब्रीदिंग या ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इट इज अ डेंजर साइन. साइनोसिस इज ब्लूअर डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन. जैसे आप देख रहे हैं आप लिप्स और नोज के अराउंड ब्लू डिस्कलरेशन दिख रही है स्किन की. सो साइनोसिस इट इज अ साइन ऑफ हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर कम होने की साइन है. अगर बेबी आपका क्राई कर रहा है किसी भी रीजन से या अगर वो फीड को अवॉइड कर रहे हैं तो इट कैन बी अ डेंजर साइन. अगर बेबी को जॉन्डिस है, अब जॉन्डिस जो है वो 2 तरह का होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. अगर इमिजिएटली बर्थ होने के बाद विद इन 1 hour के बाद अगर जॉन्डिस हो रहा है तो इट कैन बी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो डिलीवरी के 2 से 3 दिन के बाद आता है. और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आप चेक कैसे कर सकते हैं? अगर येलो डिस्कलरेशन हो रही है आपकी स्किन की बेबी की, और अदरवाइज यू कैन जस्ट पुट द फिंगर ऑन द नोज और द फोरहेड और उसको आप प्रेस कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, फर्म प्रेस करना है. और अगर आपको ब्लैंचिंग दिख रही है, येलो ब्लैंचिंग दिख रही है स्किन की, तो इट इज अ साइन ऑफ जॉन्डिस. सो नियोनेटल जॉन्डिस के दीज आर द सिम्टम. अगर स्लाइटेस्ट येलोइश ऑफ द स्किन, अगर आपको व्हाइट एरिया जो है आई का वो येलो दिख रहा है, इनकेस अगर वो एपेटाइट जो है वो रिफ्यूज कर रहा है, वो ले नहीं रहा फीड, अगर वो ड्राउजी ज्यादा रह रहा है, यूरिन जो है और स्टूल जो है उसको येलो या डार्क कलर के आ रहे हैं. So these are the extent of, these are the grades of jaundice. In case अगर abdominal distension है, this is also a danger sign. अगर उसे seizure आ रहे हैं, कोई fits पड़ रहे हैं, it is also a danger sign. Dehydration is very important. Diarrhea हो जाता है babies को, पर आपको देखना है signs of dehydration. In case अगर उनको cervical stool कम आ रहा है, urine कम आ रहा है, अगर उनको drowsy लग रहे हैं या उनकी sunken eye लग रही है, तो it is a sign of danger. Baby weight आप baby का check करवाते रहे, अगर वेट लॉस हो रहा है तो इट इज ऑल्सो ए साइन ऑफ ब्लीडिंग. अगर किसी भी ऑर्गन से हो रही है, किसी भी पार्ट से हो रही है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल एट टच क्लिनिक. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द मदर एंड द बेबी. लैक्टेटरी जो है आपकी फीड बढ़ाएगा और डीबीटी स्टॉकिंग जो है आपको पोस्ट प्रेगनेंसी फॉर 6 weeks पहनी है टू प्रिवेंट डीबीटी. सो दिस कैन यू बाय फ्रॉम एनी वेयर. दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल. सो now thank you very much and I would like to invite all the sisters who have helped me in this webinar. So thank you everyone. It was really nice, very nice demonstrations and very nice
डॉक्टर ईशा आपने बहुत अच्छे अच्छे वो बताए, वेरी गुड. सो वी मूव ऑन टू नाउ एक्सरसाइजेस. यस मैम. ओके. Now I would like to invite Dr. Harsimrit. She is going to demonstrate you antenatal exercises. She is a renowned physiotherapist and antenatal instructor. Welcome, Dr. Harsimrit. Hello, thank you, Dr. Isha, for introducing me. Good evening to everyone. And now, with the help of a model, I'm going to demonstrate all the exercises, antenatal exercises. So these exercises, first I would just like to tell briefly about the exercises. These exercises are to be start after 13th week of pregnancy, and you need a green flag from ma'am when to start the exercises. Like if she says yes now, even if you are like 13 weeks pregnant, and you still need to ask your doctor or PT ma'am about whether you can really start them or not. You should not have any complication or low-lying placenta or anything like that to start with the exercises. So these exercises are divided in four parts. So first we need to warm up, then we have the exercise session, then we have the stretches, and then we have the cool down session. And they are very simple and they are very easy. Initially, our aim of doing these exercises is it is basically, why do we exercise? We exercise to keep ourselves fit and healthy so that the blood circulation is proper in the body, so that good chemicals like beta endorphins and serotonin is released in your brain, and which helps in, you know, you perceive pain less and you are happier. So these are the reasons, these are like few reasons why you need to exercise. And I have been the antenatal instructor at the clinic since almost 3 years now. And so all these exercises I have been teaching since. So you can trust on these exercises. You don't have to go to YouTube and do those exercises and further, you know, you'll end up in some or the other problem. So you do these exercises, and I promise you this, that they will give you very good benefit. So I have my dear friend, Sister Neha, on whom I'm going to demonstrate all the exercises. And these are safe for everyone. No matter you are in your 25th week or your 13th week or your 33rd week. So basically these set of exercises are divided into two parts. First is between 13th and 33rd week, and second is from 33rd week and beyond. So basically between 13th and 33rd week, we need to do exercises in which your body or your core is able to hold the baby properly. We don't want the baby to come down. We don't want the placenta to come down. So we will be doing exercises only to strengthen the core and to, you know, so that all the joints and all the muscles and ligaments of the body are healthy and not prone to injury. Okay. So basically the warm up is all about moving the body in all the directions, all the joints, I mean to say, moving the joints in all the directions. For example, if it is the neck, then you need to move the neck in all the directions, up, down, sideways, half circles, aage, and half circles, piche. One by one, I'll be demonstrating all the exercises on Sister Neha ji, and then you can all learn them and you can jot them down. Yes. And one more thing. So whenever you exercise, you have to keep in mind that you're properly hydrated and you're wearing comfortable clothing, and somebody in the house should know that you're exercising. We don't want you to fall and nobody is knowing that you have had a fall. So be very careful. Though they are very easy, but still as a practitioner, I need to tell you this, that just do them in safe environment. Okay. So, Sister Neha, thank you for helping me in this. I need my mask. So, our first exercise is about the neck. So, what you need to do is, you just have to... So, you just have to bring the neck down and up. All the exercises are to be done in range-free motion, okay? So if you have pain ongoing at the end range, like if you see up and if you have pain here, so stop it. You don't have to go to the area where you have pain. Stop it. Dheere dheere karke gradually the pain will go away. When you start with the exercises, the pain will go away. So if I'm talking about neck pain over here, you have to go to here, not till the end range, okay? And then you have to come down. So you can start your exercises by five counts. Neck up, down, sideways,
left and right, and half circles पीछे and half circles आगे. ठीक है, am I clear with the neck part? This is just part of the warm up. So it's neck up down, sideways, half circles पीछे and half circles आगे. So हम लोग क्यों half circles करते हैं? क्योंकि full circles क्यों नहीं करते हैं? जैसे generally हम देखते हैं कि सब full circles कर रहे हैं, क्योंकि हमारे disc के लिए ठीक नहीं है. Okay, उससे disc becomes prone to injury and it becomes weak also. Next is this one has to be done with breathing. So hold both the arms together and breathe in. Take your arms up and bring them down. When you breathe out, your arms should come down. So it is breathe in and breathe out. Again, breathe in and breathe out. Next is open your arms, breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. So when you take your arms up, you are actually, when you take your arms up, you are opening the rib cage. The rib cage from here is opening. So your lungs are getting more space for the oxygen. Zyada oxygen jayega to zyada blood mein diffuse hoga. Zyada placenta tak aur baby tak pahunchega. Okay? Similarly, when you open your arms, breathe in, you are again opening the rib cage. Lungs aur flare up honge, zyada oxygen jayega aur zyada hi blood mein diffuse hoga. Okay, so these are very simple exercises, but they have very good benefits. उसके बाद shoulders को relax करने के लिए clockwise and anti-clockwise rotate करना. Can you? I hope everybody can see clockwise rotate and anti-clockwise. कितनी बार करना है? 5 to 10 times. कईयों को 3 बार में थकावट होगी, tiredness होगी. So you can start with 2 or 3 times, but you all have to do them. उसके बाद straight खड़े होके side bending. Side bending, yes, and opposite side. बहुत जोर से stretch नहीं करना है और इसको momentum भी नहीं देना है. End में आकर just go there and relax. Go there and relax. वापस relax. आपको बस यहाँ पर हल्का सा stretch होना चाहिए इस side पर. And then relax. There has to be no hold. It's just movement. And relax. उसके बाद you have to make big circles with the pelvis. You have to be very big. You have to open your legs, wide base of support karke, and then make big circles. Big circles, both clockwise and anti-clockwise, and opposite side. Exactly. उसके बाद अपने hip के तीन directions में movement है. Hold on to something, hold a ball or a chair. Leg को पहले आगे लेके जाना है, उसके बाद साइड में और उसके बाद पीछे. Leg को stand straight, your body has to be straight. Leg को आगे, थोड़ा नीचे. Come back, साइड में and पीछे. Okay, so you have to do this movement for both the sides. Uske baad next is after the hip, it is about knees. You just have to bend the knee and straighten it. Bend it and straighten it. Bend it and straighten it. So you can do it in 3 ways. Either you can just bend little bit and come up, bend little bit and come up, bend and come up, or you can, what you can do is, 1 minute here, or what you can do is you can just lift up the leg. Lift the leg up and come down. Lift the leg up and come down. And the next way how you can do it is just take the leg back and come down. Take the leg back and come down. But remember, you have to hold on to something. We don't want anybody to fall, okay? Next is toe standing and knee standing. So, you have to stand on your toes and then you have to come back slowly and stand on your heels. Again, toe standing and heel standing. Go on your toes and come back, stand on your heels. Again, toe standing and heel standing. Toe standing and heel standing. So, kuch logon ko baad mein complaint hota hai ki during pregnancy they have swelling in their feet. So, for that you have to wear the stockings first of all.
Next is you have to do the circulatory exercise of your feet. पैरों को आगे पीछे हिलाना है, आगे पीछे कम से कम 30 to 50 times. And next is you can also elevate your legs little bit. नीचे पिल्लो रख के ग्रेविटी से अपने आप ड्रेनेज होगा, जो लिम्फैटिक फ्लूइड है वो अपने आप लिम्फोड्स में जाएगा. ओके, सो इफ यू एक्सरसाइज तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं या जितना भी लिम्फ फ्लूइड है आपकी एक्सट्रीमिटीज में वो अपने आप ड्रेन होगा. ओके, उसके बाद देयर आर एक्सरसाइजेस इन लाइंग इन द माउथ व्हिच आई विल एक्सप्लेन यू राइट नाउ. So these are the very basic exercises which I have taught just now. So you can start with them, and maybe we can have another exercise session online, or you can also call at the clinic and take an appointment if you personally want me to tell you like specific exercises according to your body type and according to which week you are. So you all start with this, and then you can come back to the clinic and let me know. I will help you with the next set of exercises. So you need a mat. Okay, so now after lying down on the mat, सबसे पहले तो because you are pregnant, most of you might be having pain when you lie down with your legs straight. होता है, बहुत लोगों की complaint होती है कि सीधा लेटने से back pain होता है. So try to lie down with your knees bent. Okay. And then the first exercise is knee ko straight karo aur fir se bend karo. Straight and bend. Bahut easy hai, hum knee bend aur knee straight to karte hi rehte hain. So it's only for relaxation. Okay. Next is single leg raise. Ek leg ko bend kijiye aur dusri leg ko upar uthana hai. Lift it up and then down. Lift it up. And then come down. Lift the leg up and then come down. Dobara up and down. Similarly, dusre leg ka. Uske baad apne pelvis ko relax karne ke liye. Aapne kya karna hai? Open your arms. Arms ko kholo. Face ko dusri taraf aur legs ko opposite side. Pelvic rotations, okay? These are very relaxing and you all must do them. You can do it 15 to 20 times. Okay. Now the next exercise is bridging. With your legs bent, you have to, with your arms on side, you have to lift your pelvis up. Count till 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And come down. Again, lift your pelvis up and come down. Lift your pelvis up and come down and relax. Now, these are the set of exercises with which you have to start with your in your line. Okay, so it, the line exercise, the line one exercises are these ones. So this is how you have to start it. Now, next is sideline. Side. Turn. धीरे से टर्न करके कीप योर नीचे वाली लेग बेंड, ऊपर वाली लेग स्ट्रेट एंड लिफ्ट इट अप, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. इनिशियली इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन रेजिंग योर लेग, द वे आई एम हेल्पिंग नेहा, यू कैन टेक योर पार्टनर्स हेल्प. डाउन, अप एंड डाउन एंड रिलैक्स. नाउ टर्न टुवर्ड्स द अदर साइड. Up, down, up, down, up, and down, and relax. Now the next exercise is, you have to do the cat and camel exercise. Be very careful while lying, I mean in coming this quadruped position, you have to be very careful, don't lie on your stomach, okay? So this has to be the position. लेग्स को थोड़ा सा ओपन करके आर्म्स को रिलैक्स करके अंडर योर शोल्डर्स, टेक योर हेड डाउन, ट्राई टू लुक एट योर नीज एंड ब्रिंग योर बैक अपवर्ड्स. सो दिस इज द कैमल एंड ऑपोजिट बैक अंदर
एंड लुक इन द फ्रंट, ऊपर सैन को देखना है, बैक को अंदर और ऊपर देखना है सीने को. ऑपोजिट गो डाउन, लुक एट योर नीज एंड ऑपोजिट, एंड फिर से ऑपोजिट अगेन. जब बैक अंदर है तो सामने देखना है, जब बैक बाहर है तो नीज को देखना है. ओके, नेक्स्ट इज ओपन योर लेग्स मोर. यू हैव टू गिव सम स्पेस टू योर टमी ताकि वो आपके नीज के अंदर की तरफ चला जाए. सो रिमेंबर टू ओपन योर लेग्स एंड गो बैक, गो बैक. डोंट मूव योर आर्म्स, हाथ नहीं हटाने हैं, जस्ट गो बैक एंड स्ट्रेच योर सेल्फ एंड कम इन द फ्रंट. फिर से गो बैक एंड कम इन द फ्रंट. You don't need anybody's help to do all this. I'm just guiding Sister Neha. Go back and come in the front. Go back. If you have low back pain, tightness in your lower back, this is a very good exercise, okay? And then come up. Now sit on your feet in Vajrasana. You have to sit in Vajrasana every day. So this is how you have to sit. Back has to be straight. Yes. So these are the first set of basic exercises. There are many, many more exercises. But because I haven't met you and I haven't seen you all in person, I have a limitation of only discussing these many exercises. So please start with these exercises. And then maybe in the next webinar or maybe if you come to the clinic, I would be able to help you more. In strengthening and stretching. So start all these exercises, please. Thank you, Harsimrat. And do you have more exercises, Harsimrat? Or are you done with the session? Ma'am, I'm done with the session. These are the basic set of exercises which I've taught. Because I don't want to take any risk in telling the further exercises, because this is like, these are very safe. So everybody can do this. But after this are exercises which need guidance. Very nice. A very nice session, and thank you to Neha as well. Neha, it was a very good demonstration. Thank you so much. And Harsimrat, as I always admire your passion to in your antenatal classes, the way you teach them and make them so understandable for everyone. I hope maximum going to be moms and new moms will be able to take the benefit of your knowledge. Thank you so much. We really appreciate it. Thank you very much. All the best, and congratulations to all of you. I would like to tell Dr. Harsimrat is trained in New Zealand, and she is a very, very competent and very caring and empathetic physiotherapist as well as antenatal instructor. She is also very helpful during the labor time of many patients when she gives them tense therapy, and she also tells them ball exercises so that my patients, they are very comfortable at the time of delivery. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you so much. So ending this session, thank you, Dr. Harsimrat, for such a nice demonstration and ending the session of today's webinar. Now I would like to announce the next webinar topic. It is on adolescent health, and it is on Friday from 4 to 5. So I would like to invite all of you to that webinar also. So thank you very much. Thank you, Dr. Isha. You actually conducted it very well. And thank you to all the staff of Touch Clinic and Dr. Harsimrat, Dr. Isha, Achal, Dr. Riddhi, Dr. Cherry, and all the staff who were involved in making this such a successful webinar. And I am sure many people must have benefited from it. Thank you so much. Thank you, ma'am. And thank you, everyone. Take care.